अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरतें घर में तरावियां किस तरह से पढ़ें, तरावी का जो तरीका है आज मैं इंशाल्लाह आपको ये वीडियो में बताऊंगा, जो हमारी माँ बहनें या बहुत सारे लोग ज़रूरत वाले होते हैं जिनको घर में तरावियां पढ़नी होती हैं, तो ये उनके लिए वीडियो है। तो तमाम लोग ये वीडियो को पूरा देखें इंशाल्लाह। और तरावी का सबसे पहले तरीका है कि जब आप इशा का वक्त हो जाए तो चार सुन्नत पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद चार फ़र्ज़ पढ़ लीजिए, फिर दो सुन्नतें पढ़ के दो नफिल पढ़ के आप वितर ना पढ़ें, फिर 20 रकात नमाज तरावियां पढ़ें। तरावियां जब 20 रकात हो जाए उसके बाद वितर को अदा करें। तरावी का पढ़ना सुन्नत मौक्कदा है और तरावियां हर हमारे घर की माँ बहनें पढ़ें। ये इतना बड़ा अच्छा अमल है कि तरावी के एक सजदे पर 70 गुना सवाब मिलता है और इससे अल्लाह ताला राज़ी होता है और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाता है। तरावी के एक सजदे पर 70 गुना सवाब आपको मिल रहा हो तो कितना अजर सवाब होगा। तो मैं चाहता हूँ सारी माँ बहनें हमारी तरावियों को घर में एहतमाम से पढ़ें। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको दो रकात नमाज तरावी पढ़ के दिखाऊँगा घर में किस तरह से पढ़ना है। तरावी के अंदर अगर आपको सूरतें याद हैं पूरी तो सूरतें आप चेंज कर करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको बाई द वे एक ही सूरत याद है तो आप बस उसी सूरत का ही एहतमाम करें, पूरी 20 रकातों में उसी को पढ़ लें। लेकिन तरावी का पढ़ना ज़रूरी है, सुन्नत है, ठीक है।